हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सुजुकी मोटर गुजरात में जॉब करने के लिए, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, कहाँ पे कैंपस लग रहा है, कब कैंपस लग रहा है, सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, क्या फैसिलिटी, सब कुछ बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है सुजुकी मोटर गुजरात कैंपस प्लेसमेंट 2022। तो यहाँ पे बताया गया है सुजुकी मोटर गुजरात का कैंपस प्लेसमेंट 2022 में लगाया जा रहा है। इसके आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है सुजुकी मोटर कैंपस प्लेसमेंट 2022 फ्रेशर ITI पास ट्रेनी गुजरात। तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेशर कैंडिडेट जा सकते हैं। ITI पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ट्रेनी के लिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा और सुजुकी मोटर गुजरात में आपका जॉब लगेगा मार्च 2022 में। यहाँ पे वैकेंसी आई हैं। कंपनी का यहाँ पे नाम भी बताया गया है। कंपनी का यहाँ पे पूरा नाम है सुजुकी मोटर गुजरात आगे प्राइवेट लिमिटेड भी लगाते हैं। इसके आगे कंपनी का डिटेल भी दिया गया है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.suzukimotorcycle.com/in। यह कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जॉब रोल की यहाँ पे बात करें तो ट्रेनी का रहने वाला है। आपका जो पोस्ट रहेगा वो ट्रेनी का रहेगा। जो लोकेशन की यहाँ पे बात करें तो जॉब लोकेशन आपका गुजरात में रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, वो गुजरात राज्य में रहकर जॉब करेंगे। सुजुकी मोटर गुजरात, जो कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये गुजरात में कंपनी है। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो 20,100 रुपये आपकी 8 घंटे की सैलरी रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे बात करें तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 10th के साथ में ITI मांगा जाता है। 10th में आपके 50% नंबर होना कंपलसरी है और ITI में आपके 60% नंबर होना कंपलसरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ITI की यहाँ पे कुछ ट्रेडें भी दे रखी हैं, जो कि देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है ITI इन फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, टूल डाई मेकर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, जर्नल इत्यादि ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। इन ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने ITI कंप्लीट किया है तो आप इसमें जा सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 18 से 23 ईयर तक यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट का उम्र 18 कंप्लीट हो चुका है और 23 से कम है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। पास आउट ईयर की यहाँ पे बात करें, ITI पास आउट ईयर की यहाँ पे बात की गई है, तो 2016 से लेकर 2021 में जितने भी कैंडिडेट ने ITI पास किया है, जैसे कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में जितने भी ITI कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं, सभी यहाँ पे जा सकते हैं। आप कैंपस इंटरव्यू डिटेल की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कहाँ पे कैंपस लग रहा है, कब कैंपस लग रहा है। यहाँ पे कैंपस की बात करें तो 31 मार्च 2022 को यहाँ पे कैंपस लगाया जा रहा है। टाइम यहाँ पे 9:30 AM मॉर्निंग में दे रखा है, तो आपको मॉर्निंग में 9:30 तक कैंपस में पहुँच जाना है 31 मार्च 2022 को। वेन्यू या एड्रेस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट ITI काटनी रोशन नगर, प्रेम नगर, काटनी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के काटनी में जो सरकारी ITI कॉलेज है, रोशन नगर के पास में, प्रेम नगर के पास में, तो यहाँ पे आप सभी को जाना है। वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।